हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई जॉब अपडेट के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, एक लाइक ज़रूर से कर देना। एनीवेज अपडेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अपडेट रहने वाली है वो अपडेट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में रहने वाली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो अपडेट रहने वाली है साइंटिस्ट बी की रहने वाली है। एंड देन यहाँ पे आपकी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी की एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को। तो यहाँ से आप एक PDF डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हो। मैंने PDF डाउनलोड कर लिया है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर ही आपको बता दिया गया है कि टोटल ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो 15 वैकेंसी रहने वाली है। कम वैकेंसी है बट ये जो वैकेंसी है बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। इसमें जो सैलरी रहने वाली है 1 लाख से ऊपर की आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी यहाँ पर एलिजिबल कौन कौन सा रहने वाला है, तो अगर आप केमिस्ट्री से डिग्री करे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सिविल से इलेक्ट्रिकल से किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे UR, OBC, AC, ST सब के लिए कितना कितना यहाँ पोस्ट रखा है, वो सारी चीज़ें टेबल में दे रखी है। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिकल से अगर आपने किया है डिग्री, अगर आपने किया अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो सिविल के लिए यहाँ पे है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में और 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। एंड देन 50% मार्क्स AC ST के लिए रखा गया है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और आप ज़रूर से देखना, क्योंकि यहाँ पर गेट नेसेसरी रखा गया है। तो अगर आपके पास गेट स्कोर है, वैलिड गेट स्कोर यहाँ पे 2022, 2023 एंड 2024 में अगर आपने गेट किया है, आप क्वालिफाइड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, यहाँ भी गेट नेसेसरी है, तो अगर आप गेट क्वालिफाइड हो जरूर से आप अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो मास्टर डिग्री अगर है आपके पास इन नेचुरल साइंस और इक्विवेलेंट केमिस्ट्री डिसिप्लिन के साथ, ओनली केमिस्ट्री डिसिप्लिन यहाँ पे होनी चाहिए विथ 60% मार्क्स। AC ST सेम क्राइटेरिया है, 50% अगर मार्क्स है AC ST के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हैविंग वैलिड गेट स्कोर, तो ये भी सेम यहाँ पे गेट स्कोर चाहिए 2022, 2023 एंड 2024 का। यहाँ पे मैक्सिमम एज दे रखी है, मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 रखी गई है। एंड देन यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर द कैटेगरीज की जो रूल होती है उस पर आपका AC के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, ऐसे आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो वैलिड गेट स्कोर एंड देन आपका यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। बाय चांस अगर आपका गेट स्कोर बहुत सारे कैंडिडेट का सेम रहता है तो उस समय यहाँ पे इनके ऑफिशियल हैं वो डिसाइड करेंगे कि किनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर 2 क्राइटेरिया में रखा गया है, एक तो गेट स्कोर आपका एंड देन यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना रहेगा और ये 27 जुलाई से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। एंड देन यहाँ पे 16 अगस्त तक अप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 जुलाई को, तो आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है, तो ये चीज़ अच्छी है। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है तो एक एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, एक लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।